सोना एक ऐसी धातु है जिसे कभी जलाया नहीं जा सकता और ना ही कभी इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल इसे पिघलाया जा सकता है। तो फिर हनुमान जी ने सोने से बनी लंका को आखिर कैसे जला दिया? आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री, यह हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो, इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। सबसे पहले हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जिस बात की चर्चा आज हम करने वाले हैं वह बात हमारे समय के हिसाब से सही है या गलत। सबसे पहले आप इस आर्टिकल को देखिए जो खुद हमें गूगल बताता है, जिसमें साफ साफ ये देखने को मिलता है कि रियल गोल्ड डस नॉट बर्न और गेट डार्क अंडर हीट, इट इज सिंपली मेल्ट। यानी कि असली सोना ना ही कभी जलता है और ना ही कभी जलने के बाद काला पड़ता है, केवल ये पिघल जाता है। तो जब हनुमान जी ने शुद्ध सोने से बनी हुई लंका को जलाया तो सवाल ये उठता है कि आखिर लंका जल कैसे गई, और यदि जल भी गई तो आखिर उसका सोना पिघल कर कहां गया। रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए प्रभु श्री राम की सेना में शामिल थे, जब हनुमान और अन्य बानरों ने इस बात का पता लगाया कि माता सीता समुद्र से 7 कोस दूर एक दुष्ट दैत्य रूपी रावण के यहाँ कैद है, रावण माता सीता का अपहरण करके जबरदस्ती उन्हें लंका ले गया था। इस बात को जानने के बाद भी किसी भी बानर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे समुद्र को 7 कोस दूर तक लांग कर लंका जा सके। तब जामन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। इसके बाद हनुमान जी ही थे जिन्होंने समुद्र को लांग कर लंका जाने का बेड़ा उठाया था। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने रावण की अपार संपत्ति को देखा और देखा कि पूरी लंका सोने से बनी हुई थी। इसके बाद भी हनुमान जी पूरी लंका में भेष बदल कर माता सीता को खोजते रहे। जब हनुमान जी माता सीता को खोज रहे थे उसी वक्त हनुमान जी ने लंका को पूरी तरह समझ लिया था। माता सीता को खोजते वक्त हनुमान जी को श्री राम के परम भक्त विभीषण जी मिले और उन्हीं ने हनुमान जी को माता सीता का पता बताया। इसके बाद जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो वे पहले ही नजर में समझ गए कि इस राक्षस नगरी में इतनी सुंदर स्त्री केवल और केवल उनकी माता ही हो सकती हैं। वहीं पर हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ा, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, और जब मेघनाथ हनुमान जी की शक्तियों का सामना नहीं कर सका तो उसने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को ही बांध लिया। इसके बाद मेघनाथ हनुमान जी को अपने साथ रावण के सभा में ले गया। वहाँ भी हनुमान जी ने रावण को खूब समझाने की कोशिश की कि वे अभी भी अपने पापों का प्रायश्चित करके प्रभु श्री राम की शरण पकड़ ले तो अभी भी उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन उस समय रावण की मति मारी गई थी और उसने घमंड में आकर हनुमान जी की पूंछ को ही जलाने का आदेश दे दिया। बस इसके बाद फिर क्या, हनुमान जी ने रावण को कहीं का नहीं छोड़ा। हनुमान जी ने रावण की पूरी लंका में आग लगा दी, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। लेकिन वह सवाल जो कि इस समय आपके भी मन में है, वही सवाल उस समय हनुमान जी के भी मन में था। लेकिन केवल फर्क इतना था कि इस सवाल का जवाब हनुमान जी जानते थे। हनुमान जी जानते थे कि सोना एक ऐसी धातु है जो ना ही कभी जल सकती और ना ही कभी नष्ट हो सकती, ये केवल और केवल पिघल सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि हनुमान जी केवल शक्तिशाली नहीं अपार बुद्धिमान भी थे। जब हनुमान जी रावण की सभा में गए थे तभी हनुमान जी समझ चुके थे कि रावण ने कई सारे देवताओं को अपना बंदी बना लिया है। नवग्रहों के साथ साथ शनिदेव जैसे देवता भी रावण के कैद में थे, इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। हनुमान जी लंका को जलाकर केवल और केवल रावण का अभिमान तोड़ना चाहते थे, इसीलिए जब हनुमान जी लंका को जला रहे थे तब हनुमान जी शनिदेव के पास पहुँचे। रावण ने शनिदेव को अपने कारागृह में उल्टा लटका कर रखा था जिससे कि शनिदेव की बुरी नजर उनकी लंका की तरफ ना बढ़े, इसीलिए उस वक्त हनुमान जी ने जाकर शनिदेव को कारागृह से मुक्त किया और शनिदेव से कहा, जब मैं लंका को पूरा जला दूं तब आपको एक काम करना होगा, यानी कि असंभव को संभव करना होगा। इसीलिए जब हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया तो सोने की लंका और भी अधिक चमकने लगी। तभी हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि अब आप अपनी दृष्टि के प्रकोप से इस पूरी लंका को पत्थर में बदल दो, और कुछ इस तरह शनिदेव ने अपनी बुरी दृष्टि के प्रकोप से पूरी सोने की लंका को जलाकर उसे पत्थर का बना दिया। इस तरह हनुमान जी ने सोने को पिघलने नहीं दिया बल्कि उसे पत्थर बना दिया, यानी कि असंभव को संभव कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि वीर बजरंगबली जैसा महान और बुद्धिमान कोई नहीं है। हनुमान जी ने न केवल रावण का अभिमान तोड़ा साथ ही साथ रावण की निर्दोष प्रजा की भी जान बचा ली। अगर लंका जलने के बाद पूरी पिघल जाती तो कोई भी जीवित नहीं बचता, जिसमें कई निर्दोष मारे जाते। लेकिन हनुमान जी ये सब करने नहीं गए थे, वह तो केवल रावण के अहंकार को तोड़ना चाहते थे और उसे दिखाना चाहते थे कि उस पर अभी भी समय है। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।